तो नमस्कार भाई लोग, का हाल बा। तो भाई लोग, ये मेरा पहला ट्रैवल व्लॉग होने वाला है, तो इसलिए मैं सोचा कि कुछ ऐसा जानदार शानदार जगह पर जाया जाए ना, कि थोड़ा खून में उबाल आए। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा जगदीशपुर। और जगदीशपुर वो जगह है जहां से वीर कुंवर सिंह आते हैं। और वीर कुंवर सिंह वो इंसान है कि जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, तो बिहार में अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया। और इन सब में प्रमुख और सबसे प्रभावशाली वीर कुंवर सिंह रहे। और सबसे खास बात भाई, जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, तब इनका उम्र 80 साल था। समझ रहे हो भाई, 80 साल मतलब ये वो उम्र होता है ना जब आदमी सोचता है कि चलो ज़िंदगी जी लिए, जो बाल बच्चा के लिए करना था कर लिए, अब ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव चल रहा है तो घर वालों के साथ बैठ कर थोड़ा समय बिताएंगे। उस उम्र में इन्होंने देश और देशवासियों के लिए तलवारें उठाई हैं भाई, समझ रहे हो। तो इसलिए अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि वो वहाँ पहुँचे। ठीक है, तो आओ फिर चलते हैं। तो भाई, अभी मैं पहुँचा हूँ ऑटो स्टैंड, और ऑटो स्टैंड देख के ही खाली लग रहा है भाई, एक बार देख लो आप लोग। तो भाई ऑटो स्टैंड है पूरा खाली। मेन बात क्या है कि ये थोड़ा छोटा गांव है ना, तो लोग सुबह में ही निकल लेते हैं। और अभी समय हो रहा है 12:30 के आसपास, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी अभी ये शायद ऑटो जाने वाली है। ये आओ पूछते हैं, ये जी ऑटो सुनवर सा, मतलब सुनवर सा यही है कि ना जी, शकेतंद्र में, केतंद्र में। तो भाई ऑटो वाले भाई साहब ने सीधा बोल दिया कि जब तक से ऑटो भरेगी नहीं तब तक से खुलेगी नहीं। और अभी मैं ही था सिर्फ, इसलिए मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ कि अगर कोई गाड़ी आएगी तो मैं लिफ्ट ले लूँगा, या फिर कोई दूसरी ऑटो आएगी तो मैं बैठ के चला जाऊँगा। तो अभी देखते हैं, अगर कोई गाड़ी आती है तो लिफ्ट लेंगे। तब तक से आप ये नज़ारे देखो। पीछे एक ऑटो आ रही है, देखता हूँ। सुनवर सा, सुनवर सा। तो भाई अभी ऑटो मिल गई। तो भाई अभी मैं पहुँच गया हूँ सुनवर सा, और अभी मैं जा रहा हूँ, बस स्टैंड सामने ही है और एक गाड़ी खड़ी है शायद, वो शायद जगदीशपुर ही जाएगी। तो देखते हैं अभी, आ जाओ रोड क्रॉस कर लेते हैं पहले। अरे 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 अरे, 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 अरे। भाई अभी मैं बस में बैठ गए हैं, और यहाँ से जगदीशपुर का शायद 15-20 मिनट का रास्ता होगा।
पहुंच गया हूँ नया टोला। नया टोला बेसिकली ये एक चौरास्ता है, ठीक है। अगर आप कभी यहाँ आना चाहते हो जगदीशपुर, तो आप यहाँ आ सकते हो। ये वाला जो रोड है, ये मलिया बाग सोनबरसा, इधर से मैं आया, और ये सामने वाला रोड जो है आप आ सकते हो, और ये बिहिया और ये पीरो की तरफ से। तो जब आप पीरो वाले लेन में चार कदम चलोगे, तो आपके राइट साइड में ये पीरो चला जाएगा, और ये रास्ता जाएगा आपको बीरकुंवर सिंह का हाथा की तरफ। और यहाँ पर बहुत सारे ऑटो लगी हुई हैं, तो हाँ बात करते हैं। हाथा तो भाई ये जाएगी हाथा। अभी थोड़ा पैसेंजर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, एक आध पैसेंजर कम है शायद। तो भाई अभी खुल गई है ऑटो, और यहाँ से शायद 2 या 3 किलोमीटर होगा मेरे कौन सिंह का हाथा। तो भाई अभी मैं पहुंच गया हूं बीरकुंवर सिंह का हाथा, और बीरकुंवर सिंह का हाथा वही जगह है जहां पर पहले कभी बीरकुंवर सिंह का किला हुआ करता था। फूल तोड़ना सख्त मना है, फूल तोड़ने पर 5 रुपये का जुर्माना है। अभी इसको थोड़ा पार्क जैसा बना दिया गया है, कहीं कहीं बैठने का जगह दिख रहा है। और वो देखो वहाँ पर वाटर शोरिंग हो रहा है, दोनों तरफ गार्डन, और सामने बीरकुंवर सिंह का स्टैचू लगा हुआ है। तो ओवरऑल ठीक ही ठाक है। चलिए आप लोग घूमिए, घूम कर नीचे उतरिए, ऊपर बैठना नहीं है। तो भाई ये देखो, ये जो मेरे पीछे है बीरकुंवर सिंह संग्रहालय, ये जो अभी तुम्हारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, ये कभी बीरकुंवर सिंह का किला हुआ करता था। फिर अंग्रेजों ने इसे ढहा दिया था, फिर इसको रिनोवेशन करके किला बनाया गया है ना भैया। ये ना बीरकुंवर सिंह का किला था पहले। तो अभी ये संग्रहालय, यहाँ इनसे जुड़ी कुछ चीज़ें रखी गई हैं, तो आके थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। जैसे ही आप अंदर घुसोगे आपको 2-3 पेंटिंग दिखेंगी। तो भाई ये बीरकुंवर सिंह का संग्रहालय है, और इस साइड में आपको 2 तलवारें दिखेंगी। ये अलंकृत तलवार, मध्यकाल पदार्थ लोहा, ये भी पटना संग्रहालय से ही लिया गया है। ऊपर ढाल है, नीचे 2 तलवार। इस साइड में अभिलिखित तलवार, मध्यकाल, और ऊपर ढाल है। आपको इस साइड दिखाऊं तो ये देखो, कभी बीरकुंवर सिंह का किला ऐसा हुआ करता था। ये देख लो भाई, बीरकुंवर सिंह का किला। फिर अंग्रेजों ने जब ढहा दिया इसको, तो फिर इसको रिनोवेशन करके ऐसा बनाया गया, जैसे मैंने आपको पहले सूरत में दिखाया था। ये है अभी लेटेस्ट वाला। और इधर ये राष्ट्रीय ध्वज है,
और ये देखो भाई, ये है वीर कुंवर सिंह का झंडा, देख रहे हो, येलो रेड, और बीच में एक दहाड़ता हुआ सिंह है, और कुछ संस्कृत में लिखा गया ये, और इस बोर्ड पे वीर कुंवर सिंह का जीवन वृत्त दिखाया गया है। 1777 में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ, 1845-46 में पटना में एक गुप्त योजना द्वारा अंग्रेज की सत्ता को उलट देने के षड्यंत्र का विलियम टेलर द्वारा उल्लेख, शाहबाद के मजिस्ट्रेट एलिफिंस्टन जैक्सन द्वारा बाबू कुंवर सिंह द्वारा पर पटना षड्यंत्र से संबंध रखने का संदेह, 1855 संथालों का विद्रोह, विद्रोह की चिंगारी पूरे बिहार में फैली, अंग्रेजी पलटन द्वारा 24 जुलाई 1855 को विद्रोह का दमन, दानापुर सहित पूरा शाहबाद प्रभावित, जगदीशपुर में भी हलचल, 29 मार्च 1857 34 इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे का विद्रोह, 8 अप्रैल को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी, पूरे देश सहित दानापुर आरा में भी मंगल पांडे की फांसी की जबरदस्त चर्चा, 10 मई 1857 मेरठ में 3 रेजिमेंटों की बगावत, कैदी सिपाहियों का आज़ाद कराने के बाद सिपाहियों का दिल्ली की ओर कूच, 11 मई को सिपाहियों द्वारा दिल्ली पर कब्जा, बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान के बादशाह घोषित, 1 से 5 जून 1857 मुरादाबाद, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, नीमच, बनारस, कानपुर और झांसी में विद्रोह, 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली को सरेआम फांसी, फांसी पर चढ़ते वक्त उन्होंने कहा, तुम मुझे फांसी पर लटका सकते हो पर तुम मेरे आदर्शों की हत्या नहीं कर सकते, अगर मैं मरता हूँ तो मेरी जगह 1000 वीर पैदा होंगे जो तुम्हारे राष्ट्र को नष्ट कर देंगे, कुंवर सिंह का इस पर गहरा प्रभाव। फिर दिनांक आता है 12 जुलाई 1857 नाना साहब की फौज की फतेहगढ़ में ज्वाला प्रसाद और टिक्का सिंह के नेतृत्व में पराजय। फिर 16 जुलाई 1857 कानपुर में भीषण संघर्ष, नाना साहब की सेना बिठूर तक धकेली गई। फिर 23 जुलाई 1857 पटना कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर द्वारा बंगाल सरकार के सेक्रेटरी को लिखे पत्र में कुंवर सिंह के बारे में यह उल्लेख किया गया है कि मुझे बाबू कुंवर सिंह की राजभक्ति और ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। फिर आता है दिनांक 26 जुलाई 1857 देसी सिपाही 26 जुलाई की शाम को आरा के लिए पैदल चल पड़े, बाबू कुंवर सिंह तुरंत उनके साथ हो लिए। फिर दिनांक आता है 29 और 30 जुलाई वीर कुंवर सिंह और विद्रोही सैनिक द्वारा कैप्टन डनबर के नेतृत्व में आए 500 यूरोपीय और सिख सैनिकों की पराजय, इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतह के नाम से जाना जाता है। 12 अगस्त 1857 जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना पराजित, 8 अक्टूबर 1857 कुंवर सिंह के पुत्र और दलभज्जन सिंह के पुत्र वीरभज्जन सिंह का बांदा में अंग्रेजी सिपाहियों के साथ संघर्ष में मृत्यु। फिर दिनांक आता है 7 नवंबर 1857 कुंवर सिंह के पुत्र दलभज्जन सिंह के कानपुर में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए मृत्यु। फिर 6 दिसंबर 1857 कैंपवेल द्वारा तात्या टोपे कानपुर से बेदखल किए गए, लक्ष्मीबाई की सेना पराजित। फिर आता है कालपी की लड़ाई, तात्या टोपे पीछे हटे। फिर आता है 26 मार्च 1858 जिसमें वीर कुंवर सिंह द्वारा आजमगढ़ के किले पर कब्जा किया जाता है। फिर दिनांक 3 से 5 अप्रैल 1858 अंग्रेजों द्वारा झांसी के किले पर धावा और कब्जा, लक्ष्मीबाई बच निकली, कुंवर सिंह द्वारा आजमगढ़ में अंग्रेज दोबारा पराजित होते हैं। फिर दिनांक आता है 12 अप्रैल 1858 का जिसमें अंग्रेजी सरकार द्वारा कुंवर सिंह को जीवित सैनिक चौकी में सुपुर्द करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये इनाम दिए जाने के फरमान जारी किया जाता है। फिर दिनांक आता है 23 अप्रैल 1858 कुंवर सिंह द्वारा जगदीशपुर में अंग्रेजी सेना और उनके सेनापति ली ग्रांड की करारी हार होती है, इतिहास में यह दिन विजय दिवस के रूप में दर्ज किया जाता है और जनता द्वारा तेगवा बहादुर की उपाधि से सम्मानित किए जाते हैं कुंवर सिंह। फिर दिनांक आता है 26 अप्रैल 1858 जिसमें कुंवर सिंह की जगदीशपुर में मृत्यु हो जाती है। फिर 29 अप्रैल 1858 के अंग्रेजी अखबार फ्रेंड्स ऑफ इंडिया में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि कुंवर सिंह के न हरने पर अब शाहबाद का इलाका शांत रहेगा। तो भाई बेसिकली इससे ये पता चलता है कि इन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया गया था कर दिए थे और इनके मृत्यु के बाद एक अंग्रेज ने अपने
किताब में लिखा है कि ये हमारी किस्मत थी कि 1857 के समय वीर कुंवर सिंह की उम्र 80 साल था। अगर वह जवान होते तो हमें अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़कर चले जाना पड़ता। तो भाई सही में यहाँ आने का स्वार्थ पूरा हो गया है और सही में इनके कहानी और थोड़ा जानकारी लेकर ना खून में उबाल आने लगा। भाई देखो भाई, जब वीर कुंवर सिंह वापिस आ रहे थे तो बलिया में उनके हाथ में यहाँ पे दिखाया गया कि गोली लगी हुई है इस हाथ में, और इन्होंने इस हाथ को काट के गंगा जी में दान दे दिया। तो भाई लोग, आज का ब्लॉग का समाप्ति करते हैं यहीं पे। मैं सोचा कि आज बक्सर के लिए निकलूंगा, लेकिन अभी बज गए हैं 2:15, तो मैं अगर बक्सर जाता हूँ तो कवर कर नहीं।